हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम कोलियस के बारे में बात करेंगे। जो कोलियस का प्लांट होता है, बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट होता है, तो बरसात के मौसम में इसकी केयर किस तरह से की जाए। तो देखिए, बरसात के मौसम में सबसे पहला काम करना है हमने कि जैसे बारिश ज़्यादा होती है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है मौसम में, तो इसके गमले को चेक करना है कि गमले में पानी ना रुके। ज़्यादा पानी इसके जड़ों के लिए ख़राब होता है। ज़्यादा पानी देने से पौधा मुरझा जाता है, और पानी की कमी होगी तब भी ये पौधा मुरझा जाता है। तो इस पौधे में पानी की भी कमी ना होनी चाहिए और ज़्यादा पानी भी इसको ना देना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की। तो हमें अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ इसको सुबह शाम की धूप मिले। दोपहर की ज़्यादा धूप इसको ख़राब होती है। ज़्यादा धूप होने से इसकी पत्तियों का रंग फेड हो जाता है, तो हमें इसको ब्राइट लाइट में ही रखना चाहिए। और हमें अपने कोलियस के प्लांट को हफ्ते में या दो हफ्ते में रोटेट भी करते रहना चाहिए ताकि इसकी सभी पत्तियों का कलर एक जैसा हो। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो वैसे कोलियस के प्लांट को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, ये बिना फर्टिलाइज़र के भी अच्छे से चल पड़ता है रेतीली मिट्टी में। लेकिन अगर इसमें देना हो तो इसमें एक मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट या गाय के गोबर की पुरानी खाद इसके लिए बेस्ट रहती है। उससे इसकी पत्तियों का रंग बहुत अच्छे से आता है। अब बात करते हैं कि हम अपने कोलियस के प्लांट को घना और बुशी कैसे बनाएं। तो जब भी हम अपना प्लांट लगाते हैं, एक सिंगल स्टेम लगाते हैं कोलियस की, इस तरह से लगाते हैं। ऊपर के जो पत्तियाँ होती हैं इनको निकाल देते हैं, इसी तरह से सिंगल स्टेम लगाते हैं। फिर जैसे ही ये बड़ी होती रहती है हमें इसकी पिंचिंग करते रहना है, एक से दो, दो से चार, इसी तरह से इसकी स्टेम बढ़ती जाती है और ये पौधा बहुत ही बड़ा और घना हो जाता है और दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। इसकी जितनी पिंचिंग की जाए इसकी पत्तियों का रंग उतना ही निखर के आता है। जैसे यहाँ से मैंने इसमें पिंचिंग कर दी, इसमें दोनों साइड से ही ब्रांचेज निकलेगी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो इसमें नीचे एक सिंगल ब्रांच होती है, उसके बाद इसमें डबल ब्रांच हो जाती है, यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी। इसी तरह से ये जो कोलियस का प्लांट है ये घना और बुशी बनता रहता है। इस पौधे की पिंचिंग बहुत ज़रूरी है। पिंचिंग करने से ही इसकी पत्तियों का रंग निखर के आता है और पौधा दिखने में भी सुंदर लगता है, घना और बुशी भी लगता है। देखिए, मेरा एक ही प्लांट इतना बड़ा हो गया है, पॉट तो इसका दिखाई भी नहीं देता, इसमें सिर्फ पत्तियां और स्टेम ही दिखाई देती है। इसमें सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां दिखाई देती है। एक कलरफुल पत्तियां सबको अपनी ओर आकर्षित करती हैं।